लेकर आऊँ, फिर चला के दिखाऊँ इसको एक बार। ये बच्चे छेड़ते हैं ये बाइक। ड्यूक 200 कम तो नहीं पड़ेगा? ये कम तो नहीं पड़ेगा क्या? तेल बाइक में कम नहीं पड़ेगा? मतलब इसमें खत्म तो नहीं हो जाएगा? मस्त जोक मारा रे यार। हाँ भाई, 6-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब 2 सब्सक्राइबर मिल जाता है ना, खुशी तो होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी KTM, जो मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था, ड्यूक जो मैंने ले रखी है। पहले मेरे पे RC थी, उसको बेच के मैंने होसंग ली। अब मेरे पे होसंग भी है, उसके अलावा मेरे पे ड्यूक भी है। मेरे पे 2 बाइकें हो गई, जिसमें से एक को सुपर बाइक कह सकता हूँ, लेकिन इसको मैं क्या बोलूँ मेरे को पता नहीं, पर रेगुलर है, पर ये भक्ति बहुत अच्छी है। तो आज के दिन मैं आपको इसका, मैं अपनी बाइक दिखाऊंगा आज के दिन आपको। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ पहले पेट्रोल पंप, इसमें पेट्रोल डलवाना है बहुत सारा, टंकी फुल करवाएंगे। उसके बाद चलूँगा मैं आपको एक जगह पे जहाँ पे आपको अच्छे से बाइक दिखा दूँ, और उसके बाद चलेंगे हम अपनी हियोसंग देखने के लिए। तो फिर चलो चलते हैं तेज़ी में व्लॉग बनाते हुए। कुछ है नहीं, सुबह सुबह निकला हूँ मैं बिना सोए, ताकि बस आज संडे है तो व्लॉग बना लूँ। 7 तारीख है ना आज, 7 जुलाई है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि 8 जुलाई को तो बर्थडे है अपना। पहले पेट्रोल पम्प देखना पड़ेगा कोई अच्छा सा, जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, टाइम ना खाए मेरा। और उसी के बाद देखते हैं कि कितना तेल आता है इसके अंदर, क्योंकि जो RC थी उसमें तो नाना करते करते 10 लीटर आता था बस। इसमें चेक करते हैं कितने लीटर आएगा, यही कर सकते हैं आज हम। तो फिर चलो चलते हैं, और इसका पिकअप दिखा देता हूँ आपको एक बार। पिकअप की तो बात ही अलग है इसकी, ये देखो। ये सही में इसका पिकअप बहुत तगड़ा है, मानो ना मानो, लेकिन हियोसंग है जो मेरी, उसकी बात ही अलग है, क्योंकि मैं अभी तक उसके 6ठे गियर पे आया ही नहीं। उसमें टोटल वैसे 5 गियर है, और मैं कभी 5वें गियर पे गया ही नहीं उससे, क्योंकि 3रे से ऊपर कभी मौका ही नहीं मिला। 3रे पे चले जाती है वो 140 के आसपास, तो कभी मौका नहीं मिला। उसको मैं आखिरी में दिखाऊँगा आपको उसकी क्या कंडीशन हो रखी है, और मैं क्यों नहीं चला रहा तेरे टाइम से, क्यों ब्लॉग नहीं डाला मैंने। चलता हूँ मैं, आपको सब कुछ दिखाऊँगा आज, बाकी चलता रहेगा, दिखता रहेगा सब कुछ। चिल मारते रहिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो चैनल पे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा मेरे चैनल को ग्रो करने में, जिस हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ महीने में एक, और उस हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मार रखी है वैसे चैनल पे, पर कोई नहीं, चलता है इतना। तो पेट्रोल पम्प कौन सा जाऊँ, इधर ही जाना पड़ेगा। 0 किलोमीटर फ्यूल लेवल दिखा रहा है, कभी भी बंद हो जाएगी ये, अपना काम हो जाएगा ख़राब। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल के लिए एक इंट्रो बना लूँ, छोटा सा क्लिप चलती रहेगी जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ सेकंडों की इंट्रो, लेकिन कुछ है ही नहीं मेरे पास दिखाने के लिए इंट्रो में भी। ऑरेंज बत्ती हो गई, खींच दो 1 सेकंड, लाल मरी गई। बाकी यार मैं सोचता हूँ कि नर्वस बहुत हो जाता हूँ मैं वीडियो बनाते हुए पब्लिक में, तो थोड़ा एग्रेशन में बनाऊँ। एग्रेशन में क्या रहेगा, मैं डरूँगा नहीं और मैं गुस्से में रहूँगा, और गुस्से में तो ऐसा रहता है वीडियो क्या, मैं लोगों की ऐसी तैसी कर दूँगा एग्रेशन में। तो मैं कोशिश करता हूँ उसी में रहूँ हमेशा, नॉर्मल धीरे चलाऊँ, वरना मैं हमेशा भी बाइक भगाता रहता हूँ, कोशिश करूँ ऐसा ना हो कुछ भी। चलो फिर चलते हैं पेट्रोल पम्प। मैं जो ये बाइक लेके जा रहा हूँ, ये फुल रिस्क पे लेके जा रहा हूँ अपने, क्योंकि इसमें नंबर प्लेट नहीं है पीछे, और UP की बाइक है, पेपर भी सारे पर्चे हैं इसके, बस उसकी भी फ़ोटो पड़ी हुई है। नाम करवाऊँगा, पैसा वैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, तो सोच रहा हूँ क्या करवाऊँ, सब कुछ देख लेंगे बजट के हिसाब से सब कुछ। और ये बाइक भी मैंने इसी चक्कर में ली, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था तो मेरे को कैब करनी पड़ी उसके चक्कर पर, और उसमें जहाँ पे मैं 200 रुपये के तेल में जा सकता हूँ, वहाँ पे मेरे को 800 रुपये देने पड़ गए कैब के। तो मैंने डिसाइड किया कि उसी टाइम मैंने फ़ोन मारा दोस्त को, गगन जो दोस्त है मेरा जिससे बाइक ली है, वो बाइक बेच ही रहा था, मैंने खरीद ली
70-80 हज़ार रुपये की है बाइक, क्या दिक्कत है हाथ वाथ सोच के खरीदने पे। होंडा स्पोर्टी खरीद लेते हैं हम सब कुछ। ये लाल बत्ती हो रखी है, लोग पता नहीं भगाते क्यों इस पर यार। आगे चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, फुल बारिश चल रही है दिल्ली में, तो आपके वहाँ का चल रहा है ये भी बता देना एक बार। बाकी आपको मैं जूते दिखाऊंगा अपने, नए बिल्कुल नए जूते हैं, दूसरी बार पहन रहा हूँ मैं इसको। पहली बार पहने थे बारिश में और पूरे ख़राब कर दिए। जो दिल्ली की सबसे पहली बारिश हुई थी और सबसे गंदी बारिश, अभी इस मौसम में 3 या 4 घंटे हम बारिश में भीगे हैं इसी बाइक से। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, वीडियो बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा, पर कोई नहीं चलता रहेगा ये सब, बस आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो। आज पता चलेगा कि इसमें कितना तेल आता है। हेओसंग में तो बहुत आता है यार, हेओसंग में तो 20 लीटर तेल आता है। अब बस कहीं से पूछूं स्पीड। आज संडे कल लैग मारी थी, टांग अभी भी तो टाइट पड़ी है पूरी। स्पीड है ना अंकल, स्पीड। बाकी यार मेरे को वॉश करवानी थी ये बाइक पर, मैं करवा नहीं पाया। फुल चेक करें भाई, तहलका ऑमलेट। स्पीड है ना, कम तो नहीं पड़ेगा ये, कम तो नहीं पड़ेगा क्या तेल बाइक में? नहीं पड़ेगा। मतलब? इसमें खत्म तो नहीं हो जाएगा? मस्त जोक। कितना भर गया? 9 लीटर तो 20 हो गए। अलग सा चोरी तो दिखता हूँ। हो गया, जलवा है। मांगने ना जाए बिले यहाँ पे यार, पैसे मन नहीं है उनको पैसे देने का भी। नई बाइक है, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा मंदिर में। चलो भाई मौसम के मजे लेने चले। ऐसे चलानी जिंदगी में मेरे को पल्सर, ताकि देखते ही पुलिस वाले हाथ देते मेरे को, बोले कहाँ ले जा रहा है स्नैचर। भाई ये बाइक किसी को भी बीट कर सकती है अपनी रेंज में, इसका पिकअप इतना खतरनाक है, कोई भी बाइक किसी को भी बीट कर देगी। पूरे 10 लीटर, 10 तो नहीं, 9 लीटर को तेल आया है, 9.2 लीटर सही है, लेकिन देखते अब चलेगी कितनी इसमें। इसको वॉश करवानी थी, करवा नहीं पाया क्योंकि सुबह हो रही थी और दुकान कोई खुली नहीं थी। मैंने ट्राई किया पर उस हिसाब से वॉश हुई नहीं है, फिर मैं कह रहा मेहनत भी करो अच्छे से, साफ भी ना हो तो थोड़ा टाइम रुक ही जाओ। गंदी बाइक ही दिखा देता हूँ आपको। संडे है, स्प्रे मंगवाने की सोच रहा था इसका, पूरा गाड़ी साफ कर देने वाला। वैसे गाड़ी के पेपर तो सारे हैं पर मुझे पता नहीं भाई ये चोरी की है किस चीज़ की है, मुझे शक होता है इस पर, क्योंकि गगन ने कभी नाम करवाई नहीं, वो लेके घूम रहा था इतने सालों से इसको। सालों से तो नहीं, बहुत महीने हो गए, पहले नितिन पे थी ये, फिर गगन पे आ गई। गगन ने इसको एकदम बना के रखा है एक नंबर का। नितिन ने ली थी शौक के लिए, शौक उसका पूरा हो गया, उसने गगन को बेच दी। गगन ने देखा इसमें काम है, गगन ने भाई साहब ये मान लो 70 हज़ार या 60 हज़ार की बाइक ली होगी, उसमें से 30 से 40 हज़ार रुपये ऊपर से फूंक दिए उसने सिर्फ, और मुझे बेच दी 70 हज़ार रुपये में दोबारा। उसको पैसों की जरूरत थी क्योंकि हमारे गगन भाई जी, मेरे को एक खाली जगह चाहिए जहाँ पे मैं आपको बाइक दिखा दूँ। ये रुके हुए हैं क्या सब? सभी रुके हुए हैं लाल बत्ती पे। पता नहीं लाल बत्ती पे कोई चल ही नहीं रहा, किसी की तो हरी हुई होगी। हम यही सोचते सोचते पार कर गए। आई लव दिल्ली, वो नहीं सिर्फ दिल्ली है,
भाई लगभग गया तेल लेना। क्या बढ़िया मौसम है भाई, इसमें रूट्स नहीं है, मतलब इसमें वही नहीं है, क्या कहते हॉर्न नहीं है इसके अंदर ही। और इसके अलावा दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने, एक चीज़ तो मैंने लगवा दी, बाकी शीशे नहीं है, शीशे तो कोई रखता भी नहीं, मैं लगवाऊंगा लेकिन शीशे अगली वीडियो में चलेंगे इसको, थोड़ा सा माल लगवाने इसमें। इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ सीन क्या है बाइक के साथ। ये एरिया में खाली जगह मिल गई, एक बढ़िया जगह, जल्दी कांवड़ यात्रा भी आने वाली है। मेरा तो मुश्किल है क्योंकि मेरा प्लान चेंज हो गया और मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, अब मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। यहीं रोक के दिखाता हूँ वीडियो, अपना चेहरा नहीं ले रहा यार, बेकार लगता अपना चेहरा। तो ये देखिए, ये है मेरी बाइक ड्यूक 200, थोड़ी बुरी कंडीशन में क्योंकि दिल्ली में बारिश चल रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा तो नहीं चल रही, बूंदाबांदी होती है लेकिन कीचड़ हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा। बाकी पीछे की नंबर प्लेट नहीं है, इसमें हॉर्न नहीं है, ये अभी मैंने लगवाया नया, कीचड़ बहुत उड़ रही थी। और इसकी जो आगे की नंबर प्लेट है वो है टेम्परेली, कभी भी बंद हो जाएगी ये बाइक। तो जो भी चला रहा हूँ मैं अपने रिस्क पे चला रहा हूँ, जल्दी लगवाऊँगा, अप्लाई कर तो रखी है मैंने, एक हफ्ते से ऊपर हो गया अभी नंबर प्लेट आई नहीं। तो वो चले, मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ एक बार हेउसंग, उसके हालात दिखाता हूँ तुम्हें। चलो भाई फिर चले, थोड़े से डेंट है इसमें, डेंट भी ऐसे हैं जैसे स्टंटर की हो बाइक, वैसे तब भी मेरी है तो मैं भी स्टंटर से कम नहीं हो किसी। तो फिर चलो मैं आपको एक बार अपनी हेउसंग दिखा देता हूँ और इसकी एक बार स्पीड टेस्ट करवा दूँ, लेकिन ऐसी कोई जगह है नहीं आस पास जहाँ पर इसकी स्पीड आपको टेस्ट करवाऊँ, तो इसलिए इसको तेज़ चलाऊंगा नहीं। वैसे ही नॉर्मली बता देता हूँ, पिकअप बहुत तेज है, कभी लेके निकलेंगे तो बताएंगे। चलो भाई चले, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है लेकिन दिल्ली का, कोई धूप नहीं है दो तीन हफ्तों से, जुलाई का मौसम है गर्मियों वाला, पर हो रही है बारिश, सही है भाई, सब ओके चल रहा है। द्वारका मैं सच बताऊं किसी काम की जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोग गाड़ियाँ सीखने आते हैं, यहाँ की रोड इतनी खाली है। अभी जाऊँ उत्तम नगर वाली साइड पे, वहाँ इतना जाम मिलता है, वहाँ बंदा कोई गाड़ी नहीं चला सकता ढंग से। यहाँ देखो शांति से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल शांति है, चाय पियो खड़े हो गए अच्छे मौसम में। एक्सीडेंट करवाते हैं रोड पर बहुत ज़्यादा, और इनसे कुछ बोलने जाओ तो चार पाँच इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कोई बंदा बोल भी नहीं सकता कुछ, बता यार अकेला बंदा जाए तो जाएगा, कोई नहीं भाई सब मर्जी के मालिक है। बाकी एक बार देखता हूँ, दुकान वाले से भी बात करता हूँ, वही हमारे ठस्सेबाज बंदे से, बहुत ठस्सा देता है यार बाइक के काम पे। मैंने डेढ़ महीने से एक जगह खड़ी कर रखी है बाइक ठीक होने के लिए, वो बंदे ने ठीक करके नहीं दिया यार अभी तक। आगे से रास्ता कहाँ से आएगा सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, यहीं से लेते हैं फिर जो बताया रास्ता। ये रहा वेगस, मज़ा तो यहाँ पे तभी आता जब धूप हो बाहर बहुत ज़्यादा, 20 रुपये की टिकट लो बाइक की, एसी में बैठो अंदर, ताड़ो लोगों को, लोग हमें ताड़ेंगे हम लोगों को ताड़ेंगे, बस 3-4 घंटे आराम से अंदर से बिता कर आओ, शाम हो जब बाहर फुल जुगाड़, कोई है नहीं, तहल का आमलेट भाई। चलते हैं फिर जहाँ से रास्ता पता चले, जहाँ से हम पहुँचे अपनी हेउसंग के पास, बहुत टाइम हो गया, गंदी हो गई होगी बहुत ज़्यादा, पर यार इतनी अच्छी बाइक है ना भाई, गलत ही डिसकंटिन्यू हो गई मार्केट से, इतनी अच्छी बाइक है वो। और कैसे ही बताऊं कि कितनी अच्छी बाइक है, उसका पिकअप यार इश्क है भाई, ये जैसे 200 सीसी की इसके टक्कर में कोई नहीं है ना बाइक, वैसे ही वो है, उससे 250 सीसी 400 सीसी के अंदर कोई नहीं है टक्कर में, 400 सीसी की बाइक को भी आराम से पीछे कर देगी वो बाइक। पर हाँ एक आती है जैसे कवासकी की हो गई 400 सीसी की, हाँ वो जीत सकती है बस उससे, क्योंकि वो 250 सीसी और वो 400, पर ये है कि जो अपनी हेउसंग है उसमें डबल सिलेंडर है। दिखा देता हूँ भाई आपको, बाद में बोलोगे बकचोदी कर रहा लेकिन दिखा नहीं रहा, देख लो भाई, ये देखो दो इनकी अटक पटक के चल रहे दल्ले रोड पे मेरे। चलो भाई देख लो, मेरी हेउसंग के पास आ गए हम,
ये खड़ी मेरी ये संग थोड़ी गलत हालात में। भाई साहब खड़ी है लेकिन, और जो इसमें दिक्कत है वो भी दिखा दूँ आपको यार, जिसके चक्कर में ये चला नहीं पाता मैं। कोशिश करता हूँ ये बाइक लेकर आऊँ फिर चला के दिखाऊँ इसको एक बार। ये बच्चे छेड़ते हैं, नए जूते देख लो भाई मेरे। ये है ना जो यहाँ पे जो इसकी इंजन है, ये इंजन में लगता है इसकी कैसे उसको कहते हैं अरे जो कवर होता है यार रबड़ वाला, वो है वो मिसिंग है। और पूरे मैंने इंडिया में जितने भी जगह है हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा वो। तो अब कोई जुगाड़ देख रहा हूँ इसमें, जुगाड़ से पहले मिलेगा तो इसको बेच कर आऊँगा जल्दी। अब दिक्कत यह, दिल्ली में रहता हूँ, यूपी 16 की एक बाइक चला रहा हूँ, यूपी 14 की एक बाइक चला रहा हूँ। किंगर राइडिंग के नाम से पहले चैनल था, उसको एडिट करके किंगर ब्लॉग कर दिया। जाता हूँ एक बार चाबी देखता हूँ मिल जाए इसकी, फिर वो भी चालू करके दिखाता हूँ आपको। लोग गाली तो बहुत देते होंगे क्योंकि नितिन के घर के नीचे खड़ी कर रखी है मैंने, बहुत टाइम हो गया। पसंद नहीं मेरे को वैसे कहीं पे खड़ी करना बाइक को, बाइक खड़ी करना ही नहीं पसंद मेरे को, चलाते रहो बाइकों को। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई, हाँ मोटो नहीं मैं डेली भी बनाता हूँ, पहले मोटो बनाता था अब डेली बनाता हूँ मैं। कोई नहीं यार, अबे मेरा सरनेम ही ऐसा यार, क्या करें, तुम्हारी गलती नहीं है भाई। हाँ किंगर, 6-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब 2 सब्सक्राइबर मिल जाता ना, खुशी तो होती है, अब पता नहीं दिल से नहीं होती, होनी चाहिए। लेकिन ये देखो, चलो भाई मैं आपको बाइक दिखाऊं अपनी दोबारा एक बार और। ये रहा नितिन का भाई छोटा, लंबा होता जा रहा है तू, क्या बात हो गई। क्या स्टार्ट नहीं हो रही बैटरी डाउन? अबे यार सबसे बड़ा दुख है इसका बैटरी डाउन का। और पैर ठीक है तेरा अब बिल्कुल? नितिन का है जिम, शरीर वरीर तो बन नहीं रहा उसका। हाँ यार बैटरी डाउन, नहीं व्लॉग में ले रहा था यार, मैं कह रहा दिखा देता हूँ एक बार क्या हाल है इसके। परसों तो स्टार्ट करी थी मैंने, करी थी परसों स्टार्ट करी, फिर कम हो गई। एक बार स्टार्ट हो जाए फिर तो हो जाती बैटरी चार्ज इसकी। ये तो है भी इतनी भारी ना यार, धक्का नहीं लगता इसमें। चलो लेके चलते हैं, सही में सामान भी कहाँ था सारा, कुछ डीला वीला उधर यहाँ पे पता है क्या। अरे ये तो खोल के हो जाएगा ठीक। अरे इसने बोला था और भी काम है इसके अंदर। किसने? नहीं मिल रहा कहीं, नहीं मिल रहा भाई, वरना यहाँ खड़ी नहीं होती इतने टाइम तक। अगर इसके सामान जल्दी मिल रहे हो तो मेरे को कभी दिक्कत थी नहीं बाइक से, अब दिक्कत है, अब ये बेचनी पड़ेगी, कहीं पार्ट से नहीं मिलते। पर इससे ऊंची कोई बाइक नहीं है भाई, जो बाइक है ना ये इससे अच्छी कोई बाइक नहीं है, ऐसी बाइक है ये मान ले जब आती है ना रोड पे, तो भी नहीं है टक्कर में। अबे यहाँ पे ये वो भी नहीं लगेगी ना, धक्का भी नहीं लगेगा ना। वो दुकान पे आगे पूछो, नहीं है दुकान पे वो है ले ले जा इसको, लॉस ही कर दो। मैं तो पूछा वहाँ से कैसी मैंने। अरे ये नहीं खींचती यार, बहुत भारी बाइक है यार, तूने खींच ली, तेरे अंदर जान ज्यादा है, मेरे से तो खींचे भी नहीं है, मेरे से नहीं खींचती भाई। मैं तो हार मान लेता हूँ सीधा, बात ही खत्म। और क्या, अब ये ले ली ना मैंने, ये ले ली। और क्या, तेरे को पता नहीं खरीदते रहते हम, तब दो बाइक हो गई ना मेरे पास। नहीं यार उसको बेचना है, उसको सिर्फ बेचना है ठीक करवा के,
नहीं रखना भाई उसको, एक साल से है मेरे पास, मुश्किल से एक महीना चली होगी ये, बाकी तो खड़ी रही है ये। चल जा रहा हूँ मैं, ठीक है? पानी ब्लॉक चालू है नहीं यार, फोन पुराने नंबर पे मिला रहता क्या? हाँ व्हाट्सएप पे भी गया था, रिंग तो जा रहा था, बैटरी भी ख़त्म हो गई GoPro की, इसकी बैटरी भी ज़्यादा नहीं चलती, मैं इससे भी परेशान हूँ। और वो सब ठीक है, शर्मा को जाता है, बंदी के नाम से शर्मा आ जाते हैं यार छोटे छोटे बच्चे। और इसके क्लच को क्या हो गया, क्लच की तार टूटने वाली है इसकी शायद, जितना मुझे इस पर डाउट हो रहा है अब। हाँ इसकी क्लच की तार जाने वाली है, मुझे वही टेंशन। कोई नहीं अभी घर चलते हैं, पहले घर चलने के बाद देखेंगे क्या करें। ये ले तैर का ऑमलेट। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, यहाँ पे करते हैं हम इस वीडियो को अंत, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मेरा तो वैसे टारगेट है कि एक सुपर बाइक कैच करनी है मुझे, सुबह 5 बजे भगती है वो। एक बार मैंने इस बाइक से पकड़ा है उसको, लेकिन कैच तो किया है, 2 ZX10R, 1 Triumph और 1 Geno 100। चलो भाई चलो, कल मिलते हैं बाकी।